15 लाख, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, गोवा को केंद्र सरकार 3200 करोड़ देती है, दिल्ली को 300 करोड़ देती है, गुजरात को केंद्र सरकार 26000 करोड़ रुपए देती है, दिल्ली वालों को 300 करोड़ देती है, उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए देती है, दिल्ली वालों को 300 करोड़ देती है। क्यों? कहते दिल्ली आधा राज्य। अरे आधे राज्य के नाम पे खून चूसोगे हमारा? एक वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से हमारी क्या शिकायत थी? अंग्रेज हमारे देश का सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाया करते थे, यही तो शिकायत थी हमारे देश के किसानों का, लेबर का, व्यापारियों का। हमसे टैक्स इकट्ठा करके ये अंग्रेज सारा पैसा लंदन ले जाते थे, और अब ये केंद्र सरकार दिल्ली वालों का सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार में ले जाती है। हम मानते हैं भाई देश बहुत गरीब है, बाकी देश पे भी पैसा खर्च करना है, तुम हमसे 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाते हो, दिल्ली पे 50000 करोड़ तो खर्च दो, बाकी देश में खर्च कर लेना। 50000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यहीं बना देंगे हम। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, उन्होंने संविधान में लिखा था एक आदमी एक वोट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एक आदमी का एक वोट, चाहे तमिलनाडु वाला हो चाहे असम वाला हो चाहे उड़ीसा वाला हो चाहे मणिपुर वाला हो चाहे गोवा वाला हो, एक आदमी का एक वोट। और इन लोगों ने क्या कर दिया? दिल्ली वालों का आधा वोट, बाकी पूरे देश के लोगों का एक आदमी का एक वोट, दिल्ली वालों का आधा वोट, दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली आधा राज्य। क्या दुश्मनी है दिल्ली वालों से? 70 साल हो गए, 70 साल में तो पूरा राज्य कर देते। दोस्तों दिल्ली की इतनी समस्याएं तो हमने करी है, सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, इन्होंने खूब हमसे काम रोकने की कोशिश करी, हमने खूब लड़ लड़ के काम करा लिए, लेकिन कई सारी समस्याएं दिल्ली वालों की ऐसी हैं जिनका तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बनेगा।